हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग में हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर शुरू किया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसकी थ्योरी हमने लास्ट वीडियो में की थी। आज हम करेंगे प्रैक्टिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। चलिए शुरू करते। हाँ जी, इसमें फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग गुडविल। गुडविल को हम किन किन तरह से मेजर कर सकते हैं? तो सबसे पहला मेथड है आर्बिट्रेरी असेसमेंट। आर्बिट्रेरी का मतलब है मींस कि दो पार्टीज हैं, सेलर और बायर, उनमें से कोई एक जो गुडविल की वैल्यूएशन करेगा, ठीक है। दोनों मिलके भी गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उनको क्या चाहिए? उनको जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अर्निंग कैपेसिटी के बारे में पता होना चाहिए। अगर उनके पास अर्निंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ये मेथड तभी सूटेबल होगा अगर हमें बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी और फ्यूचर अर्निंग्स के बारे में पता होगा। सेकेंड हमारा मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट्स और अर्निंग्स। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से भी हम लोग गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं। हाँ जी, कैपिटलाइजेशन करते कैसे? जब भी हमने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करना है, तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट्स को भी कैपिटलाइज कर सकते हैं और सुपर प्रॉफिट को भी कैपिटलाइज कर सकते हैं। करना कैसे है? जैसे हमने किसी भी कैपिटल का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है 10%, तो हमें जैसे 1 लाख कैपिटल दी हुई है, इसका 10% प्रॉफिट आ गया 10,000। उसी तरह से जब हम कैपिटलाइज करेंगे तो हम क्या करेंगे? हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000, वी आर टू फाइंड द कैपिटल, तो हम लोग क्या करेंगे, 100/10 कर देंगे। देखो कैपिटल आ गई ना। तो इस तरह से हम लोग कैपिटलाइज करते हैं। हमें प्रॉफिट दिया होगा, हमने 100/10 करना है, तो उससे पता चल जाएगा कि इतनी कैपिटल पे 10% प्रॉफिट इतना आया, ठीक है। तो ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी हो सकती है और सुपर प्रॉफिट भी हो सकती है। अगर हमें दिया हुआ है सुपर प्रॉफिट, तो जब हम कैपिटलाइज करेंगे तो हमें सुपर प्रॉफिट जितना भी दिया होगा, हम लोग उसका 100 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करेंगे। हमेशा आपने 10 से डिवाइड नहीं करना, जो आपको रेट ऑफ प्रॉफिट दी होगी, रेट ऑफ रिटर्न दी होगी, आपने वो लेनी है। अगर ये 15% है तो 100/15 होगा, अगर ये 20% है तो 100/20। अब जब हमने प्रॉफिट लेने हैं, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा कि इसमें अनयूजुअल वर्किंग एक्सपेंसेस हम कंसिडर नहीं करेंगे, वही खर्चे लेंगे जो रूटीन के हैं। अगर कोई खर्चा एबनॉर्मल है, रूटीन में नहीं हो रहा, इस साल हो गया, तो उसे हम ऐड कर देंगे, ठीक है जी। नॉन ट्रेडिंग एसेट्स या नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, उसको हमने इंक्लूड नहीं करना, एक्सक्लूड करना, मतलब नहीं कंसिडर करना, ठीक है। लाइबिलिटीज के जो भी प्रोविजंस हैं, ठीक है, तो उसके बाद प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन है, वो सारे प्रोविजंस क्रिएट किए जाएंगे। बट अगर आपको दिया हुआ है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जैसे जनरल रिजर्व में प्रॉफिट ट्रांसफर किए, सिंकिंग फंड में किए, रिडम्पशन ऑफ लायबिलिटी की है, तो ऐसे जो टर्म्स हैं इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करेंगे, ठीक है। पास्ट 4 to 5 ईयर्स का लेंगे, उन 4 या 5 सालों का प्रॉफिट कंसिडर करेंगे जो कि नॉर्मल रहा है। अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट है उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, ठीक है, तो जिनका लगता है कि यही डेवलपमेंट्स आके भी होंगी, उनको कंसिडर करना है, ठीक है जी।
अगर हमें पिछले 4-5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, वो प्रॉफिट या तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है एक ही सिग्निफिकेंट मैनर्स में, तो उस केस में जैसे हम कह सकते हैं कि हमने पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया है 2018, 19, 20, 21 का, तो इस केस में हम लोग जो 21 का प्रॉफिट है उसको कंसीडर करेंगे रेदर देन 18 को, क्योंकि जो 21 का प्रॉफिट होगा वो ही फ्यूचर को इफेक्ट करेगा। पॉइंट समझ के अब मैं इसमें एग्जांपल करवा रही हूँ। कंपनी जो अपना बिजनेस किसी दूसरे कंपनी को बेचना चाहती है, ठीक है, उसके एवरेज प्रॉफिट हमें दिए हुए 1,50,000, उसे लगता है कि आने वाले टाइम पे भी यही प्रॉफिट होंगे, बट डायरेक्टर फीस जो इस साल चार्ज की गई है वो आगे नहीं होगी, और 20,000 पर एनम जो उसने वेंडर कंपनी को रेंट पे किया है ये भी इन फ्यूचर नहीं होगा। हाँ जी, देखो हमें जो एवरेज नेट प्रॉफिट दिए हुए हैं वो कितने दिए, वो इसने कहा है 1,50,000। अभी मैंने दो एक्सपेंसेस ऐसे बताए जो कि इन फ्यूचर नहीं होंगे। एक तो हो गया डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस जो हमें इस साल दी हुई है 10,000, आने वाले टाइम पे नहीं होगी, और एक हो गया रेंट, रेंट कितना दी है 20,000, दोनों को मिला दें तो ये बन गया 30,000। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली जो प्रॉफिट होंगे वो 1,80,000 के होंगे, तो हमने तो नॉर्मल मेंटेनेबल प्रॉफिट्स लेने हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट्स आके 1,80,000। हाँ जी, देखो द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एट द प्रपोज डेट ऑफ सेल इज 15 लाख, रीजनेबल रिटर्न दैट इज 10%, ठीक है। देन वो कहता है जो प्रॉफिट्स हैं वो उसका सेल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। वी आर टू कैलकुलेट द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो अब इस केस में हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी हुई है, तो हम इसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी कैपिटलाइज वैल्यू आगी कितनी, आगी 1,80,000, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था 100/10, तो इट इज इक्वल टू 18 लाख, ठीक है। अभी हमें नेटवर्थ जो बताई गई है, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एसेट्स होने चाहिए थे 18 लाख के, बट जो हमारे पास नेट टेंजिबल एसेट्स है वो है 15 लाख के, मतलब प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो एसेट्स होने चाहिए थे वो 18 लाख है, बट एक्चुअली जो एसेट्स हैं वो 15 लाख के हैं, तो वैल्यू बढ़ गई ना, तो वो जो वैल्यू इंक्रीज हुई है दैट इज बिकॉज ऑफ गुडविल, क्लियर है। इस तरह से हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट दी हुई है, ये शेयर कैपिटल है, सरप्लस दिया, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन एंड गुडविल दी हुई है। गुडविल कितनी 25,000, ठीक है, और करंट एसेट्स हमें दिए 1,50,000 और बुक डेट्स है 90,000। कंपनी कमेंस इट्स बिजनेस इन 2016, ठीक है, विद द पेड अप कैपिटल 2,50,000, ये हमें इसने प्रॉफिट्स दे दिए, ठीक है, दे दिए, कोई बात नहीं है। इनका हम लोग क्या करेंगे, एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे अगर हमें 4-5 ईयर्स के प्रॉफिट दिए। साथ ही उसने हमें इनकम टैक्स का रेट दे दिया 50%, ठीक है, तो जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो उन पे हमने टैक्स माइनस करना है। एवरेज डिविडेंड पेड इज 10%, विच इज आल्सो रीजनेबल रिटर्न, जो डिविडेंड रेट है उसी को इसने क्या माना है, रीजनेबल रिटर्न। हाँ जी, प्रॉफिट ऑफ द 5 ईयर्स, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 4-5 ईयर्स, ठीक है, कितना दिया है 61,000 प्लस 64,000 प्लस 71,500, 78,000 प्लस 85,000, ठीक है जी, तो इसका टोटल किया इट इज 3,59,500।
इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इनकम टैक्स माइनस करेंगे, कितना 50%, इट इज़ 179,750। तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट आ गई वो 179,750। ठीक है, ये जो प्रॉफिट आए हैं ये 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं। तो हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो प्रॉफिट्स आए हैं इनको 5 से डिवाइड करेंगे। जब हमने इनको 5 से डिवाइड किया तो ये आके एवरेज प्रॉफिट। अब हमने करना क्या है, इसको कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज कैसे करेंगे, उसने हमें कितनी रेशो बताई है, 10%। ठीक है, कैसे, इंटू 100/10 करके, तो ये आ गया 359,500। ठीक है जी, अब हमें क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दिए हुए हैं। टोटल एसेट्स हमें कितने दिए, देखो टोटल एसेट्स हैं 4,75,000। ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे गुडविल ऑलरेडी दी हुई है, इंटेंजिबल एसेट है, और हम माइनस करेंगे लाइबिलिटीज। ठीक है, तो लाइबिलिटीज देखो हमें कौन कौन सी दी हुई हैं, ओवरड्राफ्ट दी है, ठीक है, और दी है क्रेडिटर्स, देन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, इन लाइबिलिटीज को हम माइनस करेंगे 58,350 प्लस 90,500 प्लस 19,500, तो ये आ गई 1,68,350 प्लस किया 1,93,350, तो ये आ गया बैलेंस 2,81,650। अकॉर्डिंग टू दिस एसेट्स है हमारे पास इतने, पर प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग एसेट्स होने चाहिए थे इतने। इट मीन्स कि प्रॉफिट्स के से ये पता चला कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वर्थ बढ़ गई है। ठीक है, इतने हमारे पास एसेट्स है बट उसकी वर्थ कितनी है, 359,500। तो ये जो वैल्यू बढ़ी है यहाँ से यहाँ तक, दैट इज बिकॉज ऑफ गुडविल। पॉइंट क्लियर है, तो इसको हम लिखेंगे टेंजिबल एसेट्स, और इसको सॉरी ये तो कैपिटलाइज वैल्यू आ गई, और ये आगे हमारे एसेट्स। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस, ये आगे हमारी गुडविल। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा परचेज ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। हितेश एंड कंपनी ने बिजनेस परचेज किया, उसके 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, मैनेजमेंट उसे लुक आफ्टर कर रही है, उसका जो रेमुनरेशन है ठीक है वो 9,000 होता, मैनेजमेंट खुद उसको मैनेज कर रही है ना, बट अगर वही मैनेजर कहीं और काम करता तो उसको 9,000 पर हैनम उसको क्या मिलता है, रेमुनरेशन मिलता। तो मेथड तो बहुत ही इजी है। ठीक है, मेथड क्या कहता है कि आपने एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं, जितने आपको ईयर ऑफ परचेज दिए हैं उससे मल्टीप्लाई करना है, गुडविल आ जाएगी, ये मेथड है। ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें जो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं ना उसमें ये रेमुनरेशन माइनस नहीं किया हुआ जो कि हमें करना चाहिए था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हाँ जी हमें दिए 2017, 18, 19 और 20। ठीक है जी, इसके हमें दिए हुए हैं प्रॉफिट्स 60,000, 75,000, 72,000 and then 69,000। इसमें से हमने रेमुनरेशन माइनस करना है जो नहीं किया हुआ, वो पे भी नहीं कर रहे, बट अगर वो मतलब कि मैं कोई हम लोग एम्प्लॉई रखते तो हमें पे करना पड़ता। हमने यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट्स लेने हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट जो है जैसे यहाँ के 63,000 है और इसके 60,000 है, हमने नॉर्मल प्रॉफिट लेने जो कि इन फ्यूचर भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ फिर हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये जो प्रॉफिट्स आए हैं इनको प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे किससे,
4 से, ठीक है जी। 240,000 डिवाइड बाय 4, ये आ गया हमारा 60,000। तो जब हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है तो 60,000 को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, तो ये आ गई आपकी गुडविल। हाँ जी, नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसमें देखो, इसमें वेटेड एवरेज आ गया, पहले सिंपल किया था ना, अब वेटेड आ गया, ठीक है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में उसने कहा कि सिंपल और वेटेड दोनों से करो, ठीक है, दोनों से कर देंगे। देन प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब कुछ कहते हैं स्क्रूटनी करने पर कुछ मैटर्स जो हैं वो रिवील हुई हैं कि 1 सितंबर, ये 2019 और 20 तक है, 19 में कोई रिपेयर की गई थी प्लांट की 30,000 की, उसको ना प्लांट की मेजर रिपेयर की गई थी जिसको रेवेन्यू अकाउंट में डाल दिया, रेवेन्यू में नहीं डालना था, उसको कैपिटलाइज करना था, ठीक है जी। तो उस पर फिर हमने डेप्रिशिएशन लेनी थी, तो इसको हम ट्रीट करेंगे। अब 2018 का जो स्टॉक है दैट इज ओवर वैल्यूड बाय, ये पॉइंट्स समझ लो कि ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड क्या होता है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस में एक ये रिपेयर वाला पॉइंट आएगा, एक ओवर वैल्यू का आएगा, एक ये मैनेजमेंट के एनुअल चार्जेस आएंगे, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो करना कैसे है, जैसे हमें दिया हुआ है 2017 दिया है, ठीक है, 2017 के प्रॉफिट्स दिए, 18 के दिए, 19 के दिए और 20 के दिए, यही मतलब कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा हर एक क्वेश्चन में। हमें प्रॉफिट्स दिए, जैसे इसका दिया 101,000, ठीक है, 124,000, इसका दिया 1,00,000 और देन हमें दिया 150,000। करना क्या है, हमने जो मेजर रिपेयर की गई थी जिसको हमने रेवेन्यू अकाउंट में डाल दिया था, यानी कि हमने P&L में डेबिट कर दिया था, आप उसे ऐड बैक करेंगे क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है, समझ के। तो सिर्फ इस साल ही हमने उसको माइनस किया था, तो इस साल हमने उसको प्लस कर दिया ताकि हमें उस साल के रियल प्रॉफिट पता चल सके, समझ के। अब ये जो 30,000 का प्लांट था जिसकी हमने रिपेयर की थी, इस पे हमने रिड्यूसिंग रेट पे उसने कहा है कि डेप्रिशिएशन लो, ठीक है। तो क्योंकि हम इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मान रहे हैं तो इस पे डेप्रिशिएशन आएगी 10%, तो 30,000 का 10% 3,000 आ गया, कितनी वैल्यू रहेगी 2,700। अगले साल, ये इस साल का हो गया ना, अगले साल 27,000 का 10% डेप्रिशिएशन लेंगे। पहले तो ये बताओ, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हमने डेप्रिशिएशन इस तरह से लेनी है, ठीक है। अब इस साल के प्रॉफिट आके 101,000, इसके आके 124,000, इसके आके 127,000। यहाँ पे एक गलती होगी, गलती ये होगी कि ये जो मेजर रिपेयर की गई थी वो 1 सितंबर को की गई थी, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमने जो डेप्रिशिएशन लेनी है वो 4 मंथ्स की लेनी है रेदर देन फुल ईयर, ठीक है। तो 4 मंथ्स की डेप्रिशिएशन 1,000 बनी। अब 30,000 में से 1,000 माइनस किया 29,000 का 10% 2,900 आ गया, पॉइंट समझ के। तो यहाँ आ गया 1,29,000 और यहाँ पे आ गया 1,47,100, ठीक है। अब हम बात करेंगे वो जो क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओवर वैल्यू है, कितने से ओवर वैल्यू है, 12,000 से। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होगा तो उससे प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, ध्यान से समझो। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट में इस साइड पे क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक अगर 10,000 है तो प्रॉफिट 50,000 है, अगर क्लोजिंग स्टॉक 22,000 हुआ तो प्रॉफिट कितने होंगे, 72,000। तो बुक्स में हमने 12,000 ओवर वैल्यू किया, क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअली 10,000 का है, हमने शो कितने का किया, 22,000 का किया है। अब अगर हमने उसको ज़्यादा शो कर दिया
तो उससे प्रॉफिट ज़्यादा होगी ना। तो अब हमने कहाँ जाना है, 10,000 शो करना है, तो हम लोग यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते, प्रॉफिट्स को ही माइनस कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है तो हम लोग प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। कितना ओवर वैल्यू है, 12,000, ये याद रखना। अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है तो अगले साल का ओपनिंग, इस साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग, अगले साल का ओपनिंग क्या होगा, ओवर वैल्यू होगा। तो क्लोजिंग ओवर वैल्यू को माइनस किया है तो ओपनिंग ओवर वैल्यू को प्लस करेंगे, ये याद रखना। क्लोजिंग ओवर वैल्यू को माइनस किया है तो ओपनिंग ओवर वैल्यू को प्लस करेंगे। अगर क्लोजिंग ओवर वैल्यू को माइनस किया है तो ओपनिंग ओवर वैल्यू को प्लस करना है, ठीक है जी। अंडर वैल्यू है तो मतलब उसी तरह से हमने इनको डिफरेंशिएट कर देना है। तो ये 1,12,000 आ गया, ये आ गया हमारा 1,41,000, और ये आ गया 1,47,100। अभी मैंने आपको बताया कि जो एनुअल चार्जेस है 24,000, ये वाली ट्रीटमेंट भी हर हर क्वेश्चन में तकरीबन आएगी, जिसमें हमने एक पर्टिकुलर एक्सपेंस को, हमने शुरू वाले क्वेश्चन में भी किया था ना 9,000 का, तो इस तरह से ये वो खर्चा है जो कि हमने हर साल डालना है, वहाँ लिखा हुआ है। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर का लिखा है तो ईयर में डाल दोगे, अगर हर साल का लिखा है तो हर साल डाल दोगे, ठीक है जी। 1,17,000 और 1,23,100, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एवरेज। हमें उसने कहा है कि आप सिंपल एवरेज से भी निकालो क्वेश्चन और वेटेड एवरेज से भी। तो वेट्स हमें उसने दे दिए हैं, वेट्स हमें दिए हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। और उसने कहा है सिंपल से और वेटेड से। हाँ जी, सिंपल से करना है तो कुछ हम लोग सिंपल एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। 77,000, 88,000, 1,17,000, 1,23,100, 4,05,100, इसका हम एवरेज निकालेंगे, डिवाइड करेंगे इसको 4 से। 1,01,275, कितने ईयर ऑफ परचेज दिया है हमें, 3 ईयर्स ऑफ परचेज दिया है, तो गुडविल हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जितना हमें प्रॉफिट दिया हुआ है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया हमारा आंसर। हाँ जी, अब हम वेटेड भी सीख लेते हैं, वेटेड कैसे निकालते हैं। जैसे हमें प्रॉफिट्स दिया हुआ है ना, 2017, 18, 19, 20, ठीक है। 77,000, 88,000, 1,17,000, 1,23,100, तो हमें वेट्स दिए हुए हैं, कितने दिए हैं, 1, 2, 3, 4, तो ये आ गया 77,000, ठीक है। 1,76,000, 3,51,000, ठीक है जी। तो ये आ गया 4,92,400, ठीक है। टोटल आ गया हमारे पास 10,96,400। तो एवरेज कैसे निकाल लेंगे, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज अगर हमने सिंपल निकाली थी तो हमने इनका टोटल करके 4 से डिवाइड किया, वेटेड है तो उसको मल्टीप्लाई किया, तो डिवाइड भी इसके टोटल से करेंगे, पॉइंट समझ के, अपॉन 10 करके 1,09,640 आ गया। तो जब हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है तो जितना प्रॉफिट आया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है जी, क्लियर है। तो इस तरह से गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट वीडियो में हम सुपर प्रॉफिट मेथड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है जी। तो अगर किसी तरह का कोई डाउट्स है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। नंबर है 9,05,66,12,574, ठीक है जी, हमेशा।